एवरीवन, दिस इज राजन हियर फ्रॉम इक्यूनिटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आप गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप पोल ले सके और उसका जो रिजल्ट है वो देख सके तो कैसे कर सकते हैं। तो पोल लेने के लिए पहले मैं गूगल मीट में लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ, एक मीटिंग क्रिएट कर। ये क्रिएट करने के बाद में ये जो फीचर है वो न्यू वर्जन में ही है और पेड वर्जन में भी अगर आप जो इनका 125 रुपीज़ वाला प्लान है वो अगर आप लेंगे तो उसमें ये अवेलेबल नहीं है। सेकंड जो प्लान है उसमें ये अवेलेबल है फीचर पोल का और क्विज का। तो पोल अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर ये जो बटन दिया गया है, तीन यहाँ पे तीन बटन दिए, ये पहले से ही था, यहाँ पे चैट का ऑप्शन था और ये थर्ड बटन दिया गया। थर्ड में पोल करके एक ऑप्शन है जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टअप पोल पे क्लिक करिए और आपका क्वेश्चन डाल दीजिए, जो भी आप क्वेश्चन डालना चाहते हैं। तो जैसे मैं ये डालना चाहता हूँ कि शुड वी कंडक्ट ऑफलाइन क्लासेस, वैसा शुड। यहाँ पे ऑप्शंस में मैं यस नो डाल सकता हूँ। तो जैसे ही मैं पोल एक्टिवेट करूँगा तो दोनों मैंने यस यस डाला इसलिए वो एरर दे रहा था, तो मैं इसे यस नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे नो डाल देता हूँ। अगर मुझे और कोई ऑप्शन चाहिए तो ऐड ऑप्शन करके मैं और भी कोई ऑप्शन डाल सकता हूँ। तो इसे मैं सेव करूँगा तो मेरा पोल जो है वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं लॉन्च पे क्लिक करूँगा मेरे मीटिंग में जितने भी लोग रहेंगे वो ये पोल देख पाएंगे और उस पर वो अपना आंसर दे पाएंगे। मतलब उन्हें यस अगर लगता है तो यस बोल पाएंगे, अगर नो बोलते हैं तो नो बोल पाएंगे। तो अगर मैं लॉन्च करता हूँ तो ये पोल लॉन्च हो जाएगा और आपको यहाँ पे दिखेगा कि किसने किसने कितना कितना वोट दिया है। तो अभी ये मीटिंग में कोई है नहीं, इसके वजह से यहाँ पे वोट दिख नहीं रहा। अगर आपके मीटिंग में जो लोग होंगे उन्हें ये पोल डायरेक्टली दिखने लगेगा और वो अगर वोट करते हैं तो वोट का काउंट भी बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी पोल आपके मीटिंग के दौरान ले सकते हैं गूगल मीट के नए वर्जन में और पेड वर्जन में, जिससे आपका पोलिंग फीचर अनेबल हो जाएगा जो जूम में था, वैसे ही सेम गूगल मीट ने भी अनेबल कर दिया है। इस तरह की वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे फ्यूचर में जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।